वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं आपको लिप बाम बनाने दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह जो है होममेड लिप बाम बना सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लिप बाम बनाने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो है वैसलीन, वाइटामिन ई की कैप्सूल चाहिए हमें, कोई भी ले सकते हैं आप। ये 600 mg की है येलो वाली, जो रेड वाली होती है वो जो है 400 mg होती है। ये चाहिए हमें, एक हमें कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हम जो है लिप बाम डालें, और ये हमें एक फूड कलर चाहिए। वैसे तो जो है बीटरूट रिक्वायर्ड होता है, चुकंदर, अगर मेरे पास अभी चुकंदर अवेलेबल नहीं है तो मैं जो है फूड कलर डालूँगी इसमें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक पैन में जो है वाटर को गर्म कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने ये कटो प्यारी रख दी है। अब इसके अंदर में जो है हाफ टी स्पून जो है वैसलीन डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने जो है वैसलीन निकाली हाफ टी स्पून, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐड कर देते हैं, और जो है इसको मेल्ट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो ये वैसलीन है ये अच्छी तरीके से जो है मेल्ट हो गई है, ठीक है, ये मेल्ट हो गई है। अब जो है हम इसके अंदर अपनी जो विटामिन ई की कैप्सूल है, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। इसको हम ज़रा पिन से, ये हमने किया, और उसके बाद ही हमने डाल दी विटामिन ई की कैप्सूल। डालने के बाद जो है हमें इसके अंदर फूड कलर डालना है। अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप चिकंदर भी डाल सकते हैं, वरना जो है आप फूड कलर डाल लें। अगर आप चुकंदर डालेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसको जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स, आप देख सकते हैं हमने ये फूड कलर डाल दिया है, और ये हमने वाटर के अंदर जो है इसको मिक्स किया, ठीक है। अब जो है ये हम अपनी वैसलीन के अंदर डाल देते हैं, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है, और जो है ये देखिए ये मिक्सर रेडी हो रहा है। अगर वैसलीन जो है वापस जमने लग जाए तो उसको आप जो है वापस से जो है इसको, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो है ये लिप बाम जो है रेडी हो गया है, मेल्ट है अच्छी तरीके से। तो इसको जो है हम अपने कंटेनर के अंदर डाल लेते हैं। कोशिश करेगा कि गिरे नहीं, इसको फिल करके, और जो है इसको आप जो है फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें, कहीं पे भी आप रख लें, घर में ज़रूर ट्राई करें। और जो है इससे आपकी जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं। आपकी जो हमने इसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल डाली हैं वो हमारी जो है लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं विटामिन ई की कैप्सूल के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।